दलाल और बिचौली कर रहे किसानों को दिग्भ्रमित। कृषि बिल कानून के विरुद्ध आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि किसान खुद भ्रमित नहीं हो रहे, दलाल और बिचौलियों द्वारा उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल में MSP कहीं से है ही नहीं। मैं आप सबों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने बिहार के जनता, बिहार के किसान को दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जिस कानून को लेकर के कुछ बिचौलियों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा किसान के नाम पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वह बिल्कुल निराधार है। और उनका पहले मांग था कि MSP जो इस कानून के तहत जो लाया गया उसको हटाया जाए, जबकि हमारे सरकार के द्वारा इस कानून में MSP है ही नहीं। उसके अलावा मैं अपने बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूँ, यह कानून क्या है? मोटे तौर पर उदाहरण में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर ज़िले में आज से 10 साल पहले यानी 2011 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय उस समय के हमारे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा, NDA सरकार के द्वारा सभी बिहार के बाजार समिति का जो अरहरिया का जो दलालों का अड्डा बना हुआ था उसको बंद करने का काम हुआ। और कोई तरह का चुंगी, कोई टैक्स जो लाठी के हाथ से रोड पर, चाहे वह लकड़ी का गाड़ी हो, चाहे बकरी का गाड़ी हो, चाहे गाय भैंस का गाड़ी हो, चाहे वो धान गेहूं मकई गल्ला का गाड़ी हो, 100 रुपये का रसीद कटता था और लोग हजार रुपया वसूला करते थे और पकड़ने के बाद लाखों रुपया रंगदारी मांगा करते थे। जिस चीज़ को बंद कर दिया, आज किसान स्वतंत्र है अपना माल किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी गल्ले में, किसी भी दुकानदार को सामान अपने उचित दाम पर, अपना जो मुआवजा, जो उचित रेट होता है उस पर बेचने का अधिकार है। उसी चीज़ को वहाँ पूरे देश का है। जिस चीज़ को समाप्त करने के लिए चाहता है वो वहाँ के लोग, अरहतिया जो बिचौलिया भेंडर जो होता है, यह कानून बना रहे, हम पैसे का उगाही करते रहें, किसानों का शोषण होता रहे, ये हमारी सरकार नहीं मानने वाली है। क्योंकि हम लोग का कहना है, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। मोदी जी जो करते हैं वो किसान के हित में कर रहे हैं, आम जनता के हित में कर रहे हैं। इसी मैसेज को लेकर के आज प्रेस वार्ता भी हुआ है और हम सब लोग, पूरे बिहार के संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, सभी लोग सभी विधानसभा में जाकर के इस अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाने का काम करेंगे। और किसी भी किसान को किसी भी रैली में, किसी भी गलत बहकावे में नहीं जाना है, यही हमारा आग्रह और अनुरोध है। धन्यवाद मित्रों। चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।